तो हेलो गाइस, भाई स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल। तो भाई आज हम करने वाले टोयोटा हाई क्रॉस ZX का रिव्यू करने वाले हैं। मैंने भाई बहुत सी वीडियो बनाई है ऑलरेडी मेरे चैनल पे, बहुत नहीं मतलब दो तीन वीडियो तो बना चुका हूँ मैं ऑलरेडी। तो आज फिर भी इसका रिव्यू करते हैं। ये है 2024 का मॉडल है भाई। इसमें एडास का सिस्टम अपडेट किया गया है, इसमें मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। तो भाई चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो भाई इस तरह की कुछ इसकी चाबी है, ये देखो इस तरह। यहाँ पर आपको पीछे इनोवा भी निकाह मिलेगा। इस पर चाबी कुछ इस तरह की इसकी दो की, ये देखिए। तो भाई इसको पहले ये देखिए, ये अनलॉक कर लिया मैंने इसको। इस पर मिलता है भाई आपको कुछ दो, इसमें आपको 8 वेरिएंट मिलेंगे हाई क्रॉस में, और इसमें आपको 7 कलर्स देखने के लिए मिलेंगे, मतलब 7 डिफरेंट कलर मिलेंगे। और इसमें मिलेगा आपको 2000 CC का पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो कि जनरेट करता है 138 BHP पावर जनरेट करता है। 188 NM का टॉर्क मिलता है आपको इसमें, जो कि हाईवे पे आपको मिल जाएगा। इसमें आपको 23 के ऊपर माइलेज मिल जाएगा। पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिक आता है इसमें टॉप मॉडल में ZX में, ये देखिए। और इसमें आपको 360 कैमरा भी देखने को मिलेगा भाई इसमें टॉप मॉडल में इसमें। और इसमें आपको मिलता है 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है भाई इसमें, इस तरह आप देख सकते हो, ये देखिए। तो चलिए भाई इसका पहले मैं आपको ओवरऑल एक लुक दिखा देता हूँ पूरी कार की, फिर देखते हैं। तो भाई देखिए इसमें ये दूसरा कलर है भाई, इसमें कुछ दिखना नहीं होगा, मतलब ब्लैक कलर नहीं है, कुछ ग्रीन टाइप है। आप देख रहे होंगे इसका कलर, ये देखिए। आपको पता नहीं वीडियो में शायद ब्लैक दिख रहा होगा ये, पर ये ब्लैक नहीं है भाई, कुछ अलग कलर है इसका। दूर से तो ब्लैक दिखता है पर ग्रीन कलर है भाई इसमें। इसमें आपको पूरा सनरूफ मिलेगा, 360 कैमरा, एडास, ये टॉप मॉडल है भाई, ये देखिए इस तरह। ये दूर से तो कुछ ब्लैक कलर दिख रहा है, जैसे आप पास से देखोगे ना इसमें ग्रीन कलर आपको दिखाई देगा। तो भाई चलो मैं वीडियो करता हूँ स्टार्ट। तो यहाँ से देखिए लोगो, इसकी ग्रिल कुछ इस तरह की है। नॉर्मल मैंने वाइट कलर की जो बनाई थी ZX वो भी थी उसकी, उसमें यहाँ पे कुछ इस तरह क्रोप का एक पट्टी पे यहाँ पे इस तरह कुछ यहाँ तक कंटिन्यू सिल्वर कर दिया था। यहाँ पे लोगो तो आपको सेम दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए इसमें कुछ कलर इसका ये देख रहा होगा शायद आपको, ये ब्लैक कलर नहीं है यार, ऐसे कुछ ग्रीन टाइप ऐसे कुछ कलर है इसका, ये देखिए। इसका इस तरह का कुछ लोगो है भाई, बहुत ही अच्छा है लोगो, तो आप देख चुके हो। ये लोगो मुझे बहुत ही पसंद आया यार, मैं बोलूँगा हर एक कार पे ऐसे ही लोगो देने चाहिए इनको। इससे क्या होता है, एक 5-10 साल में अंदर का जो लोगो होता है वो ख़राब नहीं होता है, वो एकदम बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पर आपको फ्रंट कैमरा मिल जाएगा, इस तरह की इसकी कुछ ग्रिल है। ये ग्रिल तो आपको सेम थी नॉर्मल जो पुरानी इनोवा क्रिस्टा आई करती थी, उसमें भी इस तरह की ग्रिल थी, ये सेम थी ग्रिल। तो इसमें ये देखिए, ये लोगो चेंज किया गया इस तरह। यहाँ पे आपको इंडिकेट्स मिल जाएंगे, ये देखिए बहुत ही अच्छा है। ये इंडिकेट्स लेजेंडर में मिलता है, जो कि फॉर्च्यूनर के में। यहाँ पे देखिए इस तरह का ये अच्छा बहुत फिनिश दिया गया, ये देखिए सेम मस्त है ये। यहाँ पर इसमें आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे सामने, ये देखिए। एक सेंसर यहाँ पर दिए, 1, 2, 3, 4 सेंसर दिया है यहाँ पे टोइंग के लिए दिया है ये। यहाँ पे ये देखिए, इसमें आप यहाँ पे फॉग लैंप से ये देखिए, ये आपको सेम फॉग लैंप टोयोटा कैमरे में भी मिलेगा, ये देखिए इस तरह सेम। ये देखिए यहाँ पे इसका फॉग लैंप है, इसमें 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा आपको इसका। यहाँ पे ये देखिए, ये अच्छा है, ये अभी अपग्रेड किया गया है ये देखिए इस तरह, ये देखिए। ये भाई पुरानी वाली में नहीं था, ये देखिए इससे कुछ अच्छी लुक दिख रही है इसमें सामने। यहाँ पे देखिए इसी मतलब बहुत ही अच्छा हवा जाने के लिए यहाँ से, जो इंटरकूलर इसके लिए रहता है, देखिए इंटरकूलर इसका यहाँ पे ये देख सकते हो नीचे आप, यहाँ से क्या अच्छा है ये, मतलब बहुत ही हवा पासिंग होती है यहाँ से, आप देख सकते हो इस तरह। और इसमें आपको LED लाइट्स मिलेंगी, प्रोजेक्टर कुछ है नहीं इसमें, नॉर्मल वाइट कलर की LED मिलेंगी। सेम फॉग लैंप से आपको पूरे वाइट मिलेंगे इसमें यहाँ पर, ये देखिए, ये देखिए भाई इस तरह के कुछ इसके अलॉयस है 18 इंच के, जो कि 255x50x R18 के इसमें टायर डालते हैं, ये भी अच्छा है भाई। ये देखिए भाई इसमें, ये देखिए इसमें यार लोगो गायब है यार, यहाँ पे देख सकते हो जैसे अलॉय आते हैं तो यहाँ पे टोयोटा का लोगो रहता है, तो इसमें लोगो है नहीं यार, ये देखिए। मुझे लगता है कंपनी इसके यार ये मिसिंग हो गया, लगाना भूल गया शायद अलॉयस में। यहाँ पर देख सकते हो आप इनर बोल्ट दिख रहा है इसमें क्लियरली, तो कंपनी वालों ने ये भूल गए शायद लगाना, ये देख सको। इसमें आपको फ्रंट डिस्क मिल रहा है, ये देखिए डिस्क भी बहुत मस्त दिया है इसमें,
अलॉय भी बहुत अच्छे है इसका। ये देखिए इसमें आपको सेम यहाँ पे साइड मिरर्स में ये देखिए इस तरह यहाँ पे भी इंडिकेटर्स हैं। यहाँ पे आपको हाइब्रिड की बैटरी मिल जाएगी, ये देखिए बहुत ही अच्छे है ये भी। ये देखिए इस तरह सेम आपको पीछे भी इसमें डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे। ये देखिए 18 इंचिस के इसमें अलॉय है, बहुत ही अच्छा अलॉय भी। यहाँ पे ज़रूरी है ये लोगो लगाना भूल गए थे, नहीं तो आपको पता होगा हर एक कार में जो कंपनी में फिटेड आता है उसमें यहाँ पे लोगो रहता है। टोयोटा की टोयोटा, टाटा का सबका लोगो आता है ना इसमें, तो यहाँ पे लोगो नहीं इसका। ये देखिए जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी ZX में ब्लैक कलर की में, उसमें फुटरेज था, इसमें फुटरेज भी नहीं। ये देख सकते हो आप यहाँ पे फुटरेज चाहिए कम से कम यार, जेंट्स लोग तो चढ़ जाते हैं, मतलब लेडीज़ के लिए तो मतलब फुटरेज चाहिए ना। यहाँ पे देख सकते हो आप फुटरेज नहीं है इसमें, यहाँ पे देख सकते हो आप। ये देखिए यहाँ पे इसका कुछ कलर इस तरह का आपको दिख रहा होगा, दूर से ब्लैक दिखता है पर सामने से ये कुछ ग्रीन टाइप का है ये कलर इसका। यहाँ पे इनको ज़रूर बैचिंग देनी चाहिए थी, ये देखिए इस तरह। ये देखिए और आपको सेम साइड मिरर में आपको यहाँ पे ये देखिए कैमरा मिलेगा 360 का। ये देखिए इसमें सॉरी 360 कैमरा तो यहाँ पे भी एक है। ये देखिए सेम, और पीछे की बात करते हैं तो आप पीछे देखो कुछ इस तरह का है इसमें। ऊपर आपको शार्क एंटीना मिल जाएगा यहाँ पे, ये देखिए शार्क एंटीना यहाँ पे दिया है। यहाँ पे टेल लाइट दी गई, यहाँ पे वाइपर दिया गया है, ये भी इस तरह की कुछ इसकी LED लाइट है। ये बहुत अच्छी कंटिन्यू यहाँ तक, ये देखिए ये लाइट्स। यहाँ पे इंडिकेटर सेम, यहाँ पे आपको सेम यहाँ पे इसकी बैटरी मिल जाती है ZX हाइब्रिड की, ये देखिए। और इसमें आपको सेम पीछे भी चार पार्किंग जैसे मिल जाएंगे देखने के लिए, यहाँ पे देख सकते हो 1, 2, 3, 4 पार्किंग जेंसेस मिलेंगे सेम आपको पीछे भी इस तरह। यहाँ पे सेम आपको इसकी बैचिंग मिल जाएगी इनोवा हाई क्रॉस की क्रोम में, ये भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे सेम ये देखिए लोगो, भाई आप लोगो तो देख रहे होंगे, यहाँ पे मैं उंगली से करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये देखिए कितना डस्ट है मतलब। तो सेम जो सामने लोगो दिया था मैंने नॉर्मल ZX में बनाया था उसमें भी लोगो सेम जो सामने था वही पीछे दिया है। तो मैं बोलता हूँ यही लोगो सेम जो जैसे आपने सामने दिया था ना वही लोगो जैसे आप पीछे देते हो, तो देखिए इसमें धूल मिट्टी कितनी जमा हो गई, ये देखिए। तो मतलब वही बोल रहा हूँ जो सामने दिया था ऐसे ही लोगो यहाँ पे देते हो तो वो भी बहुत अच्छा था, ये ज़रूर एक चेंज करना चाहिए इनको। यहाँ पे देखिए इसका कैमरा है, ये भी बैक कैमरा है, यहाँ पे देखिए इस तरह। इसमें ये देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्टर दिया है यहाँ पे इस तरह, ये कार ये देखिए यहाँ पर ये ज़रूर अब चेंज किया गया है, ये अपग्रेड किया गया है इसका। ये देखिए इस तरह कुछ है इसके पीछे ये बम्पर, ये अपग्रेड किया गया है। यहाँ पे आपको इसका स्पेयर व्हील मिलेगा, ये देखिए स्पेयर व्हील इसका। यहाँ पे एग्जॉस्ट पाइप ये देखिए कुछ भाई शॉकर्स बहुत अच्छे इसके, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो भाई ये बहुत ही अच्छी है वैसे तो। तो सेम साइड प्रोफाइल आप देख सकते हो, ये देखिए इसमें इसमें मिलेगा आपको 52 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलेगा इसमें आपको, ये देखिए नॉर्मल। यहाँ पे सेम आपको डोर्स के पास इस तरह कुछ क्रोम की दी गई है छोटी सी पट्टी, देख सकते हो सेम डोर हैंडल्स पे यहाँ पे भी क्रोम का कुछ इस तरह का डिज़ाइन है, ये देखिए। ये देखिए सेम आपको यहाँ पे भी देखिए कैमरा मिलेगा ये, और सेम यहाँ पे आपको हाइब्रिड की बैचिंग है, देख सकते हो सामने आपको दो वाइपर्स मिलते हैं इस तरह, ये देखिए। तो चलो मैं आपको इसका इंटीरियर दिखा देता हूँ एक बार अंदर का। ऊपर आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलता है इसमें, ये देखिए। तो भाई चाबी पहले यहाँ पे रख देते हैं, सर मैं आपको इसका इंटीरियर दिखा देता हूँ। तो भाई इसका इंटीरियर देख सकते हो आप नॉर्मल, ये देखिए इसका स्पीडोमीटर। यहाँ पे इसमें आपको JBL के स्पीकर्स मिलेंगे टॉप मॉडल में, जो कि और टॉप मॉडल में आप ZX में लेने जाओगे तो इसमें आपको इसकी LED स्क्रीन कुछ इस तरह की मिलेगी, ये देखिए JBL की स्क्रीन मिलेगी। आप जैसे नॉर्मल इसमें कौन सा GX मॉडल लेने जाओगे तो उसमें नॉर्मल LED स्क्रीन मिलेगी आपको इसमें, ये देखिए भाई ये देखिए। तो चलिए मैं इसका आपको दिखा देता हूँ इंटीरियर, ये देखिए कुछ इस तरह का इसका मीटर है, ये देखिए स्पीडोमीटर कुछ इस तरह के 200 की स्पीड है इसमें, ये देखिए भाई ये देखिए इस तरह।
तो भाई इसमें आप कुछ डैशबोर्ड इस तरह, इसका बहुत ही अच्छा लंबा चौड़ा है, देखिए कितना लंबा डैशबोर्ड अच्छा है इसका। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ज़रूर प्लास्टिक यूज़ किया। यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये पूरा, सॉरी भाई, हाँ यहाँ पे ये भी प्लास्टिक है भाई, ये कुछ ऐसा फिनिश दिया है तो मैंने सोचा लेदर है, ये ज़रूर लेदर का यूज़ किया है, देख सकते हो। मैंने बनाई थी नॉर्मल टॉप मॉडल में, तो पूरे में यही देता है सेम। आपको इसमें टॉप मॉडल 6 एयरबैग्स देखने को मिलेंगे आपको, ये देखिए ये भी लेदर फिनिश है इसमें सेम। वहाँ पर आपको साइड में देख रहे हो JBL का स्पीकर है वहाँ पे सेम, यहाँ पे भी देखिए JBL का स्पीकर दिया है यहाँ पे सेम। ये देखिए इस तरह की कुछ बहुत ही अच्छी फिनिश है इसमें, ये देखिए। तो भाई यहाँ पे कुछ इस तरह का लेदर क्या दिया है, ये देख सकते हो। यहाँ पे एसी वेंट, एक एसी वेंट वहाँ पे, और एक एसी वेंट यहाँ पे, टोटल सामने 4 एसी वेंट दिए गए। इस तरह की कुछ आपको 9 इंचज़ की LED स्क्रीन दी गई JBL की, जो कि बहुत अच्छी है। इस तरह इसमें ऑटोमेटिक है भाई, ये देखिए इसका गेयर लीवर कुछ इस तरह के। यहाँ पे आपको मोड दिए गए, ये देख सकते हो EV मोड और AC का कुछ ड्राइव मोड यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए यहाँ पे इस तरह कुछ AC कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए, ये देख सकते हो आप। ये इस तरह की कुछ स्टीयरिंग है भाई, बहुत ही अच्छी स्टीयरिंग इसकी, नॉर्मल ये देख सकते हो, नॉर्मल ठीक ही है। उस कुछ स्कोडा में अच्छा था उस दिन उसका डिज़ाइन, जो मैंने नॉर्मल वीडियो बनाई थी, देखिए इस तरह। यहाँ पे कुछ आपको कॉलिंग्स के बटन, यहाँ पे टोयोटा का लोगो, ये अच्छा है इसमें। यहाँ पे एयरबैग्स का दिया है, ये देखिए कंट्रोल्स के यहाँ पे, ये देखिए इस तरह, ये भी बहुत मस्त है। यहाँ पे आपको सेम पीछे का डिक्की ओपन करना है तो यहाँ पे आपको बटन दिए गए इस तरह, ये लाइट्स के कंट्रोल्स यहाँ पे सेम, यहाँ पे देखिए। और भाई यहाँ पे आप नॉर्मल कुछ छोटी बॉटल रख सकते हो, आर्मरेस्ट मैं बोलूँगा, ये बहुत ही अच्छा है इसका हैंडरेस्ट, ये देखिए ये बहुत अच्छा है भाई इसमें, ये लेदर का यूज़ किया गया इसमें। मैंने बोला था भाई लास्ट टाइम, सीट्स सीट्स का भाई बहुत ही ज़बरदस्त है इसका, एकदम इंटीरियर बहुत अच्छा दिखता है इसका। यहाँ पे आपको माइक मिल जाएगा, ये देखिए माइक यहाँ पे एक दिया है इसमें सेम। ऊपर आपको यहाँ पे ये देखिए हैंडल दिए गए इस तरह सेम, आपको वहाँ पे मिलेगा ऊपर कुछ इसकी सनरूफ के कंट्रोल्स दिए गए, ये देख सकते हो आप। यहाँ पे इसमें मिलेगा आपको बहुत ही लंबा चौड़ा पैनोरामिक सनरूफ मिलेगा, ये देखिए यहाँ से स्टार्टिंग होता है भाई, एकदम सेकेंड रो पे कम ख़त्म होता है ये देखिए। और भाई आपने कंफर्ट तो पता ही होगा आपको, बहुत ही अच्छा है इसमें। यहाँ पे सेम आपको चार्जिंग पॉइंट के 2 सॉकेट दिए गए, ये भी बहुत अच्छा है भाई, ये देख सकते हो। यहाँ पे कुछ इस तरह एक देखो, यहाँ पे भी और एक है 12 का, यहाँ पे भी, यहाँ पे नॉर्मल आप कुछ ज़्यादा रख सकते हो छोटा मोटा। यहाँ पे इसका इस तरह का कुछ ग्लव बॉक्स है, ये देखिए ऑलो व्हील्स क्या, सॉरी इसके ये देख सकते हो यहाँ पे रखे थे, मैंने सोचा ये देखो इस तरह के उसके इसके कुछ अलॉय व्हील के कैप्स हैं, ये लगाए नहीं थे इन्होंने, ये देखिए इस तरह के कुछ उसमें नहीं लगे। तो यहाँ पे इसके पावर विंडो, ये सॉरी ऑन ऑफ के बटन दी गई, ये देखिए इस तरह, ये देखिए भाई यहाँ पे सेम आपको ये हेडलाइट के कंट्रोल दी गए, इसमें ऑटो भी है, ये देखिए यहाँ पे टिक रहा है ऑटो का सेम। आपको यहाँ पे वाइपर्स इसके कंट्रोल दी गए, ये देखिए भाई सीट्स भी बहुत अच्छे हैं इसके, ये देखिए। तो चलो मैं आपको इसका सेकेंड रो दिखा देता हूँ एक बार, नॉर्मल डोर भी बता देता हूँ आपको, भाई डोर इसका इस तरह है कुछ डोर, यहाँ पे देख सकते हो लेदर फिनिश ये यूज़ किया है। यहाँ पे सीट्स के कंट्रोल, पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए, ये देखिए लॉक अनलॉक के, ये साइड मिरर्स के कंट्रोल से आपको पता ही होगा सबको, ये देखिए इस तरह। यहाँ पे आप नॉर्मल एक बॉटल रख सकते हो, कुछ क्लॉथ व्लॉथ यहाँ पे, ये सेम, ये भी बहुत अच्छा फिनिश है यहाँ, ये सेम या कुछ ज़्यादा प्लास्टिक है, कुछ ज़्यादा है नहीं। यहाँ पे ज़रूर ये कि लेदर का यूज़ किया गया, ये इतना सा बस, इतना से यहाँ पे इतना सा लेदर फिनिश यूज़ किया गया, ये देखिए यहाँ पे इतना सेम है। आपको यहाँ पे भी स्पीकर दिया गया है, ये देखिए इसमें ज़रूर फुटेज मिसिंग है, ये देख सकते हो आप। तो भाई सेकेंड रो की ऑलरेडी सीट सामने करके रखी है इस तरह, तो मैं आपको सेकेंड रो दिखाई देता हूँ इसका। ओके भाई, तो भाई मैं बैठा हूँ अभी थर्ड रो में, इसकी सीट सामने करी गई है, ये देख सकते हो आप इस तरह। तो चल मैं आपको थर्ड रो से ही कम दिखाता हूँ पहले, सॉरी। तो भाई थर्ड रो में आपको यहाँ पे देखिए इस तरह कुछ AC वेंट मिलेगा आपको, यहाँ पे वहाँ पे सेम, आपको यहाँ पे 2 AC वेंट्स दिए गए इस तरफ थर्ड रो के लिए भाई, अच्छा है ये नॉर्मल। ये सीट्स क्या है देख सकते हो आप, यहाँ पे बड़े लोग तो भाई बैठ नहीं सकते, मैं क्लियरली बोलता हूँ, इसमें नॉर्मल चाइल्ड के लिए ठीक है इसमें, यहाँ पे बच्चे लोग बैठ सकते हैं।
यहाँ पे देख सकते हो आप, इससे पता लगा सकते हो आप नॉर्मल ये कैसे ऊपर हो जाता है। ये देखिए, ये देखिए भाई, इस तरह इसमें बच्चे लोग कंफर्ट है। यहाँ पे छोटे नॉर्मल आप बॉटल रख सकते हो। यहाँ पे कुछ है नहीं साइड में इस तरह। ये देखिए, यहाँ पे आपको पीछे स्पीकर मिलेगा, वो तो कार रूम में दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखिए, यहाँ पे आपको सेम चार्जिंग का पॉइंट मिलेगा। ऊपर आपको सेम दो एसी वेंट्स यहाँ पे इस तरह ये हैंडल लिए गए पकड़ने के लिए। तो भाई सेकेंड रो देख लेते हैं आप। ये देखिए सेकेंड रो को, जिसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई थी आपने देखा ही होगा। और देखिए भाई सेकेंड रो इसका इस तरह है, अच्छा है कंफर्ट तो। खैर ये देखिए भाई, इसका सेकेंड रो कुछ यहाँ तक है इस तरह। सेम आपको यहाँ पे भी एसी वेंट दिए गए सेकेंड रो के लिए। यहाँ पे सेम आपको देखिए लाइट्स दिए गए इस तरह। ये देखिए इस तरह हैंडल से कुछ, मैं बोलता था भाई जब इसमें क्या था, एलईडी देना चाहिए था इनको, लाइट ज़रूरी है। जब आप इतना कर रहे हो तो एलईडी लाइट देना चाहिए था इनको। सेम आपको देखो यहाँ पे भी एयर बैग दिए गए, इसमें 6 एयर बैग्स मिलते हैं आपको। ये देखो यहाँ पे सेम इसमें 6 एयर बैग्स मिलेगा। वहाँ पे सेम आपको उस तरफ भी लाइट मिलेगी इसमें। ये देखिए दिख रहा होगा वहाँ पे आपको लाइट। सेकेंड रो भी ठीक है इसमें कंफर्टेबल। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे कुछ इस तरह के कंट्रोल्स मिलेंगे। ये देखिए एसी का ऑटो ऑन ऑफ के पावर्स के, ये देख सकते हो लो हाई के। सेम आपको यहाँ पे देखिए ये चार्जिंग पॉइंट के दिए गए, ये भी अच्छा है सेकेंड रो में। ये देखिए यहाँ पे ये बंद कर दिया भाई, ठीक है। ओवरऑल तो भाई कंफर्ट तो बहुत अच्छा है इसका, देख सकते हो आप नॉर्मल। सेकेंड रो में आपको शेड्स यहाँ पे देखिए इस तरह के ये दिए गए। ये देखिए ये भी ठीक है भाई, ये देख सकते हो आप नॉर्मल। यार एक सेकेंड, हाँ ये देख रही आपको इस तरह पूरे सेकेंड रो तक विंडोज़ तक मिलेगा आपको। ये अच्छा है, धूप धूप से मतलब थोड़ी धूप तो नहीं लगेगी। तो आपको सेम सेकेंड रो में भाई ये बोल देता हूँ, देखिए सेकेंड रो में जैसे आप आते हो तो भाई ये इसमें ज़रूर ये लेदर का नहीं, नॉर्मल वुड फिनिश दिया है, प्लास्टिक पे ऐसा पेंट दिया गया है जी, लेदर टाइप दिखे कुछ। यहाँ पे ज़रूर इतना सा ये लेदर यूज़ किया गया है सेकेंड रो में, आप देख सकते हो इतना सा बस। यहाँ पे कुछ इस तरह के इसके लॉक अनलॉक के हैंड, ये देख सकते हो लॉक अनलॉक के दिए गए। यहाँ पे पावर विंडो के स्विच दिए गए, ये देखिए। यहाँ पे सेम ये फिनिश दिया गया इस तरह कुछ सिल्वर का, ये देख सकते हो आप। सेम आपको यहाँ पे भी स्पीकर मिलेगा सेम, ये तो नॉर्मल ठीक है चलो कुछ नहीं। तो भाई यहाँ पे सीट्स के कुछ कंट्रोल पे देख सकते हो आप, यहाँ पे देखो ये देखिए भाई मैं बता देता हूँ, यहाँ पे सीट्स के कंट्रोल ये देखिए, ये देखिए जैसे आप इसको करो पीछे, ये देखिए देखो भाई एकदम भाई सो सकते हो आप इसमें यहाँ पे। ये देखो और भाई इस तरह ये भी दिखाता हूँ मैं आपको, रुको एक सेकेंड भाई रुको, इसका भी कंट्रोल सो होगा कहीं पे मैं आपको। ये देखिए भाई ये सीट का सामने सीट का कंट्रोल दिखाता हूँ, चाबी गिर गया ये सॉरी। ये देखिए भाई एकदम आप सो सकते हो, बहुत ही अच्छा है इसका कंट्रोल भाई एकदम। देखिए भाई जैसे पैर पस, देखिए मैं एक सेकेंड शू उतार, शू क्या उतारने, ये देखिए एक सेकेंड, ये देखिए भाई भाई एकदम, ये देखिए भाई, अरे भाई एकदम मतलब जैसे देखो ये भाई देखिए। यहाँ पे आप पीछे देख ही सकते हो, चलो मैं आपको इसको पूरा बैंड करके आपको नॉर्मल दिखा देता हूँ आपको, सही ना। ये देखिए भाई इस तरह की कुछ इसकी सीट्स मिलेगी आपको इस तरह, देखिए पूरा एकदम फोल्ड, ये देखिए आराम से। ये देखिए भाई नॉर्मल में कर देता हूँ मैं सीट्स इसके। यहाँ पे आपको सेम सीट्स के कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो। ये देखिए भाई इलेक्ट्रिक सीट ये भाई बहुत ही मस्त है, ये देखिए, ये देखिए भाई, ये देखिए। तो यहाँ पे सेम आपको इस तरफ इसका कंट्रोल्स मिलेगा जो कि ये देखिए, ये फीचर्स बहुत अच्छा लगा मुझे इसमें इनोवा में। वैसे टॉप मॉडल है तो भाई बहुत ही अच्छा फीचर है इसमें, आप देख सकते हो इसमें। तो भाई इसमें सामने 2 लोग बैठ सकते हैं और पीछे 3 चाइल्ड बैठ सकते हैं भाई, बहुत ही अच्छा है, ठीक सके ठीक ठाक है। इसमें सीट्स बहुत अच्छे हैं भाई इसका, सीट्स के कवर इंटीरियर बहुत ही मस्त है मैं बोलूँगा इसमें। नॉर्मल बड़ी फैमिली के लिए ठीक है, 7 सीटर भाई बहुत ही अच्छा है इसमें, कम्फर्ट भी बहुत अच्छा है भाई। सीट्स तो मैंने आपको दिखाई दी है कैसी है इसकी, ठीक है। तो भाई यहाँ पे आपको
देखिए सीट्स का कंट्रोल मिलेगा, ये फ्रंट एंड बैक का ही देख सकते हो, इस तरह से फ्रंट आ सकती आ जाती है, सामने सीट सरकती नहीं यार, एक और चाहिए कोई तो नॉर्मल भाई, ये सामने पीछे करने के लिए। और ये आपने देखा होगा, ये देखिए इस तरह, ये फीचर बहुत ही मस्त है भाई इसके सीट्स का, ये देख सकते हो आप, ये देखिए भाई, ये देखिए इस तरह, ये देखिए भाई, ये फीचर बहुत ही मस्त है इसमें सीट का भाई, मैं बोलूँगा सेम बहुत ही गजब का चीज़ है। तो नॉर्मल ओवरऑल ठीक है, आप देखिए तो यहाँ पे ज़रूर इनको यहाँ पे बैचिंग देनी चाहिए थी, मैं ऑलरेडी पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ इनको, ये देखिए, ये देखिए नॉर्मल इनको क्या था, यहाँ पे सेम इनको बैचिंग देनी चाहिए थी यहाँ पे इनोवा हाई क्रॉस की, जैसे उससे बहुत ही उसका अच्छा रहता था। यहाँ पे से फर्स्ट, ये देखिए फर्स्ट फ्लोर सीट से कुछ ये है कंट्रोल्स, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये भी इलेक्ट्रिक सीट से भाई, देखो इस तरह, ये देखो भाई इस तरह करोगे, ये देखो भाई इस तरह कुछ इसके सीट्स के कंट्रोल से, ये भी ठीक है, ये देखो, ये देखिए ये पूरा इसमें यहाँ पे कंट्रोल दिया, ये भी बहुत अच्छे सीट्स के देख सकते हो आप। तो भाई बस इतना ही, बहुत ही अच्छा है सीकार तो भाई, इसमें ज़रूर फुटेज मिसिंग है, एडास का सिस्टम ऑन इसमें अपडेट किया गया, इसमें एडास डाला गया ये सिस्टम, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा आपको। तो भाई बस इतना ही बोलना था, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम।